जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीके बारे में। एनपीके के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे कि हम किस फसल पर कब हमको यूज करना है। एनपीके अलग अलग ग्रेड में आता है, जैसे 19-19, 18-18, 20-20, 00-52-34। तो बहुत सारे उसके ग्रेड होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और कब किस ग्रेड का हमें अपनी फसल पर यूज करना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीके को वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। अन्य खादों की अपेक्षा एनपीके का असर पौधों पर शीघ्र दिखाई देता है, क्योंकि एनपीके को खेत में डालने के बाद पौधे इसे शीघ्र ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से घुल जाता है। एनपीके में एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटास। यानी कि एनपीके में तीन पोषक मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब जो अलग अलग ग्रेड होते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19, एनपीके 18-18-18, एनपीके 20-20-20 या एनपीके 10-26-26 या एनपीके 00-52-34, तो इनका क्या मतलब होता है। देखिए, एनपीके जैसे 19-19-19 हुआ तो उसमें का मतलब होता है कि उसमें नाइट्रोजन भी 19% है, फास्फोरस भी 19% है और पोटास भी 19% है। यानी कि यदि आप 19-19-19 एनपीके 100 किलो अपने खेत में डालते हैं तो आपको 19 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा, आपके पौधों को 19 किलो फास्फोरस मिल जाएगी और 19 किलो ही पोटास आपके पौधों को मिल जाएगी 100 किलो एनपीके डालने पर 19-19-19। इसी तरह 18-18 का मतलब होता है कि उसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस और 18% पोटास पाया जाता है। इसी तरह से जैसे 00-52-34 हुआ तो उसका मतलब हुआ कि उसमें 0% क्या होता है, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन नहीं होता है, और 52% क्या होता है, फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होती है। उसी तरह पोटास 34% पाए जाते हैं, यानी कि पोटास की मात्रा कम होती है। इसी तरह से एक आता है एनपीके 00-50, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस होता ही नहीं है और पोटास उसमें 50% पाया जाता है। तो इनका जो ग्रेड होते हैं ये दर्शाते हैं कि उसमें कौन से तत्व की कितनी मात्रा है। तो ये आप अब समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि कौन से ग्रेड वाला खाद हमें किस स्टेज में अपनी फसलों को देना चाहिए। तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि कौन से पोषक तत्व के हमारे फसलों को किस स्टेज में ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, वैसे तो हर स्टेज में हर एक पोषक तत्व पौधे के लिए चाहिए, लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें एक पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हमें पौधों को देना चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की बढ़वार को बढ़ाना। तो जब पौधे की हाइट बढ़ रही हो तो उस टाइम पे हमें नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा हमें एनपीके देना चाहिए, ताकि पौधे की बढ़वार अच्छे से हो सके। और नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की पत्तियों को चौड़ा करना। तो जब पत्तियाँ अच्छे से चौड़ी होंगी और उसकी बढ़वार होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। उसके बाद जो फास्फोरस होता है, जो तत्व होता है, उसका काम होता है, एक तो ये रूट को डेवलप करता है, यानी कि पौधे की जो जड़ होती हैं, जितने ज़्यादा हम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा देंगे पौधे में, तो फास्फोरस की मात्रा से जो पौधे की जड़ें हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं, उनका अच्छे से विकास होता है। तो जितनी अच्छी जड़ें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा फैलेंगी, तो पौधा हमारा अच्छा होगा। दूसरा जो फास्फोरस का काम होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब फूल आते हैं तो फूल ज़्यादा आते हैं और फूल अच्छे से खिलते हैं, यदि फास्फोरस हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज में हमें फास्फोरस ज़्यादा देना चाहिए और शुरुआत में भी हमें फास्फोरस ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जड़ भी अच्छे से डेवलप कर सकें। उसी तरह पोटास का जो काम होता है, वो होता है जब हमारे फल बनना स्टार्ट हो जाता है हमारी फसल पे, तो ये फल पोटास जो होता है, जब हम पोटास की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो हमारा जो फल होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि फल चमकदार होगा, उसकी मिठास अच्छी होगी, उसका जो पकने, उसका जो कलर है वो अच्छा आएगा। तो ओवरऑल जो हमारा फ्रूट की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है, अच्छा फ्रूट हमें मिलता है। तो जब भी हमारी फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूटिंग स्टेज में हमें पोटास, जिस एनपीके में पोटास की मात्रा ज़्यादा है, हमको उसका स्प्रे ज़्यादा करना चाहिए या ज़्यादा मात्रा में, जैसे भी आप दे रहे हैं, हमें ज़्यादा मात्रा में वो वाला एनपीके देना चाहिए जिसमें पोटास की ज़्यादा हो। फ्रूटिंग टाइम पे, फ्लावरिंग टाइम पे हमें जो उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो वो देना चाहिए, और जब बढ़वार कर रहा है तो जब फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा खाद हमें देना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कौन से स्टेज में कौन सा खाद हमें डालना चाहिए।
किसान साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको किसी और खेती संबंधी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।